आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में चैत्र कृष्ण पक्ष में आने वाली भाल चंद्र संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है, संकटों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति व उन्नति की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी भाल चंद्र संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। चतुर्थी तिथि सुखकर्ता दुखहर्ता गणपति जी की प्रिय तिथि है, इसलिए इस दिन गणेश जी की प्रियता के लिए भक्ति भाव से उनका पूजन कर उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग उन्हें अर्पित कर आरती करते हुए कथा का श्रवण करना चाहिए। वैसे तो मन इच्छा पूर्ति के लिए प्रत्येक माह की संकष्टी चतुर्थी को महिलाएं गणेश जी का पूजन कर व्रत धारण करती हैं। यदि आप व्रत नहीं रखते तो भी गणेश जी का पूजन कर गणेश जी को स्मरण करते हुए कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार कथा में किसी भी व्यथा को हरने की शक्ति होती है। तो आइए प्रेम पूर्वक व भाव पूर्वक सुनते हैं भाल चंद्र संकष्टी चतुर्थी की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण बड़े प्रेम के साथ करता था। उसके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। प्रत्येक वर्ण के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर शासन होते हुए भी राजा को कोई संतान न थी। एक बार महर्षि यज्ञवल्क्य की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद राजा ने अपने राज्य का अधिकतर कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंप दिया और अब राजा का पूरा ध्यान अपने पुत्र पर केंद्रित रहता। राजा उसे बहुत लाड प्यार करता। उधर राज्य का शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा अत्यधिक समृद्ध हो गया। मंत्री धर्मपाल के भी 5 पुत्र और 5 पुत्रवधू थे। मंत्री धर्मपाल के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी गणेश जी की भक्त थी, अत्यंत धर्मपरायण थी। वह हमेशा गणेश जी की व्रत पूजा करती। एक बार चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर बहू ने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा आराधना की और व्रत रखा। उसे ऐसा करते देख उसकी सास ने उसे ऐसा करने से रोका और कहा, ये गणेश जी कौन है हम नहीं जानते, तू हमारे घर में ये जादू टोना मत कर। तू ऐसा करके मेरे पुत्र को अपने वश में करना चाहती है। सास ने उसे बहुत रोका, परंतु बहू गणेश जी की पूजा करने से नहीं टली। तब सास ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, तेरी बहू जादू टोना कर रही है, इसे रोक। माँ के कहने में आकर पुत्र ने उसे ऐसा करने से रोका। जब वह नहीं मानी तो उसने अपनी पत्नी को पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी बहू ने व्रत को किया।
और गणेश जी के आगे प्रार्थना करने लगी। हे गणपति जी, आप मेरे सास ससुर को सबक सिखाओ, जिससे इनके मन में आपके लिए भक्ति भाव जागृत हो। यह कहकर वह रोते रोते सो गई। अपनी भक्त की पीड़ा को देखते हुए गणेश जी ने सोचा, इन्हें सबक सिखाना ही होगा, तब ये मुझे मानेंगे। गणेश जी ने सबके सामने देखते ही देखते राजा मकरध्वज के पुत्र का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा दिया और राजकुमार के वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। इधर जब राजा ने अपने पुत्र को महल में ना पाया तो उसने कोहराम मचा दिया। मेरा पुत्र कहाँ चला गया, उसे कौन ले गया, मेरे राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। चोर डाकू लुटेरों का मेरे राज्य में कोई काम नहीं है। राजा कहने लगा, आजकल मंत्री धर्मपाल राज्य के सब कार्य संभालता है, इसलिए मंत्री को बुलाया जाए। राजा के कहने पर मंत्री को बुलाया गया और राजा ने उससे कहा, मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाओ, अगर तुम ना ला पाए तो मैं तेरा वध कर दूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा। मंत्री यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो उठा। उसने हर जगह राजकुमार को ढूंढा, परंतु वह नहीं मिला। थक हार कर निराश हो वह अपने महल में आया। अपनी पत्नी, बेटों और बहुओं को बुलाकर अपनी चिंता का कारण बताया और कहा, यदि राजकुमार न मिला तो उसका दंड हम सबको भुगतना पड़ेगा। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हो, हम पर गणेश जी का क्रोध हुआ है, इसलिए सब मिलकर गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करें, गणेश जी की पूजा करें, व्रत कथा सुनें, तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएगा। बहू की बात सुनकर मंत्री धर्मपाल खुश हुआ और सब ने बहू के कहे अनुसार राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत पूजन किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सब लोगों के देखते ही देखते राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखते ही नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा की खुशी का तो ठिकाना ना रहा। राजा कह उठा, गणेश जी धन्य हैं। मंत्री धर्मपाल की बहू बहुत ही सुलक्षणी और संस्कारवान है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र लौट आया है। सब ने मिलकर गणेश जी को प्रणाम किया और तब से सब लोग इस संतानदायक संकट नाशक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने राजा के पुत्र के ऊपर आए संकट को टाला, वैसे सबके संकटों का नाश करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।